प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपोत्सव कार्यकर्ता संवाद के जरिए वाराणसी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए रूबरू हुए। वाराणसी संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभाओं के भाजपा विधायकों के साथ मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया। इस दौरान न केवल पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिवाली सहित अग्रिम त्योहारों की बधाई दी, बल्कि पूरे उत्साह के साथ जनसेवा के लिए उत्साहवर्धन भी किया। पीएम मोदी ने काशी में हो रहे विकास कार्यों के साथ ही विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हो रहे गांधी संकल्प यात्रा से भी खुशी जाहिर की। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से, कार्यकर्ताओं से कुछ विशेष ही प्रेम करते हैं। हर तीज त्यौहार पर जब भी अवसर मिलता है वह कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में अभी गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधी पदयात्रा निकली हुई है, साथ ही साथ इधर दीपावली, छठ, भैया दूज, विभिन्न प्रकार के देव दीपावली के त्यौहार हैं। उस उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सुअवसर पर काशीवासियों को, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से सीधे संवाद किया और सीधे संवाद करके उनके बातों को जाना, उनके मन के अंदर के विचारों को जाना, उनके प्रश्नों को सुना और अपनी बातें बताई। अत्यंत ही अच्छा रहा, उत्साहवर्धन रहा और यह एक जनप्रतिनिधि का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो दिखाई देता है कि अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा हर तीज त्यौहार पर उनके साथ रहें, उनसे बात करें, वही कार्य उन्होंने किया। इसके लिए हम लोग पूरे काशीवासी उनके आभारी हैं। गुरुवार शाम लगभग 5 पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 5 विधानसभाओं के भाजपा कार्यकर्ताओं और 5 भाजपा विधायकों से नमो ऐप के जरिए रूबरू हुए। 5 विधानसभाओं वाराणसी कैंट, उत्तरी, रोहिणिया, सेवापुरी और अंत में दक्षिणी विधानसभा से क्रमशः अलग अलग जुड़े। पीएम मोदी से संवाद शुरू होने से पहले ही पूरे उत्साह के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने सांसद देश के प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। आज हमने माननीय मोदी जी से यह प्रश्न किया कि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी का 150वीं जयंती पूरा हुआ, तो 150वीं जयंती भी चल रहा है गांधी जी के जयंती पर, उसके बाबत हमने माननीय मोदी जी से प्रश्न पूछा और इसके और अपने क्षेत्र में गांधी जी के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं उसके संदर्भ में मैंने गांधी माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न किया। क्या जवाब रहा, क्या उन्होंने आपको बताया, क्या करना चाहिए? इस तरह का कार्यक्रम समय समय पर होना चाहिए जिससे जनसंपर्क करने का अवसर प्राप्त होता है, आम लोगों को जोड़ने का अवसर प्राप्त होता है, इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। लगभग 1.5 घंटे तक नमो ऐप के जरिए चले संवाद के जरिए पीएम ने मुख्य रूप से काशी में हो रही विकास की योजनाओं से संतुष्टि जाहिर की और बीते दिनों वाराणसी में आई बाढ़ से बचाव के लिए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी संतोष जताया। संवाद के दौरान पीएम मोदी को भाजपा विधायकों और मंत्रियों ने देव दीपावली पर काशी आने का भी न्योता दिया, जिस पर पीएम मोदी ने संभावना जताई। इसके अलावा यूपी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर या धाम के जरिए बाबा विश्वनाथ से माँ गंगा के साक्षात दर्शन पर भी आभार जताया, तो पीएम मोदी ने योजना का श्रेय बाबा विश्वनाथ को दिया। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।